नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवियॉन 400mg कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में सारा कुछ जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप के। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये एवियॉन कैप्सूल आती है दोस्तों, ये 400mg और 200mg के पोटेंसी में ये मार्केट में अवेलेबल रहती है दोस्तों। और दोस्तों, ये 10 कैप्सूल की ये स्ट्रिप आती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस रहती है वो 32 रुपीज़, यानी कि 32 रुपये इसकी प्राइस रहती है। और 10 कैप्सूल की ये स्ट्रिप आती है। और दोस्तों, कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की कैप्सूल में, जेलेटिन कैप्सूल में ये एवियॉन कैप्सूल अवेलेबल रहती है दोस्तों। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई 400mg में अवेलेबल रहती है। और दोस्तों, विटामिन ई, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको एक टोकोफेरॉल भी नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को। और दोस्तों, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। और दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप लोग, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार जो विटामिन होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है ये बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल है, जो कि मोस्टली बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कैप्सूल यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं, उन लोगों के बीच ये कैप्सूल बहुत ही पॉपुलर है, इसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। और ये मसल बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। और ये आपके जो डैमेज सेल्स होते हैं बॉडीज में, उसको ये हील करता है, बहुत ही रिपेयर करने में ये कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ये आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही इस कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये जो कैप्सूल है, आपके स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन डिसऑर्डर्स हो, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इनबैलेंस हो, उस तरह की प्रॉब्लम में भी ये कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ये आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल इनबैलेंस होता है उसको भी ये ठीक करता है, उनको मेंटेन करता है। और आपकी बॉडी में जो विटामिन ई की कमी होती है उसको वो फुलफिल करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे हैं इस एवियॉन कैप्सूल के। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसको आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं इसको जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, इसका सबसे पहली चीज़, तो आप जब भी इस कैप्सूल का यूज़ करें तो आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही करें, और डॉक्टर जैसा आपको प्रेस्क्राइब करे उसी के अकॉर्डिंग इस कैप्सूल का यूज़ करना है। और दोस्तों, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, इसका जो यूज़ है आप लॉन्ग टर्म के लिए ना करें, आप जैसा डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है उतने ही ड्यूरेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों, जो प्रिकॉशन की बात है, तो दोस्तों, इसको अगर आपको कोई भी पहले से कोई दवा चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि लीवर से जुड़ी कोई दिक्कत हो, किडनी से जुड़ी, या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी आपको दवा चल रही हो, तो आप उस केस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें, तो आपके लिए बेस्ट होगा। और दोस्तों, इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन दोस्तों, इस कैप्सूल के लेने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कुछ पेशेंट्स में, और स्टमक पेन यानी कि हल्का फुल्का पेट दर्द भी हो सकता है इस कैप्सूल के लेने के बाद। तो दोस्तों, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस कैप्सूल को, जो कि देखने के कुछ पेशेंट्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की दिक्कत है आपको, स्किन से जुड़ी, हेयर लॉस, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और हार्मोनल इंबैलेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था एवियॉन 400mg कैप्सूल का रिव्यू। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।